प्रियंका गांधी ने फूंकी यूपी कांग्रेस में जान। एक महीने में जुड़े 10 लाख कार्यकर्ता। दिखाई दे रहा है प्रियंका का जादू। केरल व तमिलनाडु में भी बढ़ी कार्यकर्ताओं की संख्या। उत्तर प्रदेश में अपना खोया जनाधार हासिल करने में लगी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को बड़ी उम्मीद के साथ मैदान में उतारा और उन्हें खास तौर पर उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी। उत्तर प्रदेश में जमीनी कार्यकर्ताओं और स्थानीय संगठन जैसी समस्याओं से जूझने वाली कांग्रेस को प्रियंका की एंट्री से बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। पिछले एक महीने में नए 10 लाख कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस से जुड़े हैं और इसका श्रेय प्रियंका गांधी वाड्रा को ही जाता है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में एक समय से प्रियंका को पार्टी में सक्रिय होने की आवाज उठ रही थी। प्रियंका गांधी वाड्रा को बतौर महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने के बाद 10 लाख नए बूथ कार्यकर्ता बने हैं। इसे प्रियंका का जादू ही माना जा रहा है। प्रियंका के कमान संभालने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या 1.5 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गई है, यानी सीधे 2 गुना। प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने के बाद न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। कांग्रेस की डेटा एनालिसिस टीम के आंकड़ों के हिसाब से बूथ कार्यकर्ताओं की संख्या केरल और तमिलनाडु में भी काफी बढ़ी है। प्रियंका लखनऊ में बने कॉल सेंटर से बूथ कार्यकर्ताओं से जुड़कर उनकी बातें सुनती हैं और सवालों के जवाब भी देती हैं। इसके अलावा अपने दौरों में भी वो समय के हिसाब से कार्यकर्ताओं को पूरा समय देती है।